हे गाइस, स्वागत है आप सबका पोकेमॉन लास्ट फायरड के एक और नए एपिसोड में। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हम लोग आ चुके थे वर्मिलियन सिटी में, एंड लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने वो साइकिल आई गेस ले ली थी, तो अभी हम लोग साइकिल को यूज़ कर सकते हैं। एंड आज के इस एपिसोड में हम लोग सीधा जाएंगे हमारे तीसरे बैच को चैलेंज करने के लिए, लेकिन इससे पहले हम लोगों को ये ट्री कट करना पड़ेगा। एंड हम लोग अभी सीधा बैटल करने के लिए घुसेंगे सीधा, और यहाँ पर ये ऑलरेडी ओपन है, तो हम लोगों को बस यहाँ पर एक बैटल करनी पड़ेगी, तो इस बैटल को स्किप करता हूँ मैं। ओके गाइस, हम लोगों ने इसको हरा दिया, तो चलो अभी हम लोग सीधा जाके एलटी सर्च के साथ बैटल करेंगे। मैंने पोकेमॉन भी हील करके आ चुका हूँ, तो अभी मेरे को डाउट यही है कि कौन सा पोकेमॉन स्टार्टिंग में रखूँ। आई डोंट थिंक सो कि हम लोगों को यहाँ पे क्रोकोडाइल की ज़रूरत लगेगी, बट मैं फिर भी इस क्रोकोडाइल को स्टार्टिंग में रख देता हूँ, एंड यहाँ पर एक बार का गेम को सेव कर देता हूँ। तो चलो बात कर लेते हैं किड। चलो ये बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम लोगों ने ये गेम ऑलरेडी डिफीट कर चुका है, बस यहाँ पर बस ये रैंडमाइज है। तो ओके, एग्जीक्यूट है इसके पास, मेरे को लगा नहीं था, बट ठीक है, एग्जीक्यूट तो एक साइकिक टाइप भी पोकेमॉन हो जाता है, बट ये ग्रास टाइप भी है। यहाँ पे ये मेरे को धोखा है, मैं यहाँ पे डायनामिक्स यूज़ कर लूँगा, मैक्स डार्कनेस यूज़ कर लेता हूँ इसके ऊपर। लेट्स सी, ये तो चला जाएगा, वन शॉट किल हो जाएगा। अब मेरे को मेरा लक के ऊपर डिपेंड करता है। मॉक्सी ट्रिगर हो चुकी है, ओके ये काफ़ी अच्छी बात है। लेट्स सी, विस्मर तो नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, तो उसके लिए अभी मैक्स डार्कनेस काफ़ी होगा। ब्रिक ब्रेक यूज़ कर लिया इसने, बट मेरा डायनामैक्स पोकेमॉन था इसलिए मेरे को ज़्यादा कुछ तो असर नहीं हुआ। ओके ये भी चला गया, फिर से मॉक्स से मेरी ट्रिगर हो चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। करसोला भी तो करसोला वाटर टाइप पोकेमॉन है, बट आई डोंट थिंक सो कि ओके डायनामैक्स हो रहा है, कोई बात नहीं। मेरे पास कोई ग्रास टाइप पोकेमॉन नहीं है, बट फिलहाल मेरे को मेरे क्रोकोडाइल के ऊपर इतना तो भरोसा है ही कि मैक्स ओवर ग्रोथ। ओके ये ठीक है कोई बात नहीं, नॉट बैड। मेरा आई गेस वो चला जाएगा, तीन मैंने अटैक यूज़ कर लिए। ओके इसके ऊपर मैं डिग यूज़ कर सकता हूँ, सुपर पोशन यूज़ कर रही है। ओके इसके पास ओके मैक्स गार्ड यूज़ कर लिया, ओके कोई बात नहीं। इसका ये भी चला गया, डायनामिक्स फॉर्म भी चला गया, तो अभी हम लोग इसके ऊपर डिग यूज़ कर सकते हैं। ब्रिक ब्रेक इसका अवॉइड कर दिया मैंने, सही है। बेरी थी इसके बाद, फिर भी ये फेंट हो गई क्योंकि हमारी मॉक्सी तीसरी बार ट्रिगर हो चुकी है। गाइज क्रोकोडाइल बहुत ओपी पोकेमॉन है। अब इसका आई गेस ये आखिरी पोकेमॉन होगा, ड्राउजी। अरे सही है यार, मतलब मेरे को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरा बस एक पोकेमॉन ही इसके पूरे जिम को लेके गया। यस गाइस, हम लोगों ने हमारा चौथा तीसरा जिम बैच भी काफ़ी इजीली आसानी से हासिल कर लिया है, काफ़ी अच्छी बात है। मैंने तो कुछ पोकेमॉन के साथ ट्रेनिंग भी नहीं की। ओके हम लोगों को शॉक वेव भी मिल चुका है, एंड यहाँ पर एक मच्छर है जो मेरे को परेशान कर रही है। ओके तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, हम लोगों को अभी फ़ाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस आगे जाएंगे। पहले तो पोकेमॉन ही कर लेते हैं, एंड हम लोगों को अभी आगे क्या करना है। ओके यहाँ पे ये इससे बात कर लेनी चाहिए आई गेस, ये हम लोगों को बोलेगा कि मैंने रूट टू पे प्रोफेसर ओक का पैकेज लेके आया हूँ, वो तेरे को लाना है, लेना है तो ले, वरना मतलब ऐसा कुछ बोलेगा। ओके गाइज़ वेट करो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिगर आउट करता कि हम लोगों को अभी क्या करना है। ओके गाइज़ मैंने फिगर आउट कर लिया, अभी हम लोग अभी रिटर्न आ चुके हैं सेरिवलिन सिटी में, एंड यहाँ से हम लोगों को अभी आगे जाना है। यहाँ से एक रास्ता था जहाँ पे हम लोग पहले कट यूज़ करके जा सकते थे, बट तभी हमारे पास कट था नहीं, बट अभी हमारे पास कट आ चुका है, तो हम लोग अभी यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी बैटल्स है, तो इसको स्किप करता हूँ मैं। ओके गाइज़ हम लोगों ने इसको हरा दिया, बट यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा अभी हाइपर पोशन या फिर कुछ पोशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे को बहुत सारा चोट लगी है, जैसे लाइक आप देख ही सकते हो यहाँ पे क्रोकोडाइल को बहुत सारा हीलिंग की ज़रूरत है। ओके अभी हमारा क्रोकोडाइल काफ़ी अच्छी हालत में आ चुका है, तो चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक पोकेबॉल भी है, जिसे हम लोगों को एरियल एस मिला, एंड यहाँ पर हम लोग अगर इसको चकमा देने में कामयाब रहे, जो कि नहीं दे पाएंगे, तो चलो इसको भी स्किप करते हैं। ओके गाइस हमने इसको हरा दिया है, और इस केव में अब तक हम लोग जा नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों को पता है लास्ट एपिसोड मतलब लास्ट टाइम भी जब मैं खेला था तभी भी हम लोग जा नहीं सकते थे। यहाँ पे एक और पोकेबॉल है, लेट्स सी, हम लोगों को यहाँ पे ब्लैक स्लज मिला,
जिसका आई डोंट नो यूज़ क्या होता है। यहाँ पे बहुत सारी बैटल्स है, इसको भी स्किप करना पड़ेगा। ओके गाइस, हम लोगों ने इसको हरा दिया है और यहाँ पे आगे जाके देखता हूँ या फिर छोड़ो हम लोगों को क्यों जाना है। यहाँ पे एक फ़ाइट थी जो कि मैंने अवॉइड कर दी, हम लोगों को नहीं करनी आगे कोई फ़ाइट। अंकल आप थोड़ा वहाँ पे देख लो। ओके, अंकल ने फ़ाइट नहीं की हमारे साथ, हम लोगों को यहाँ से भी फ़ाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आई गेस आगे जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है यहाँ पर एक फ़ाइट होने वाली है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं। लेट्स सी, मेरे पास अभी रिवाइव विवाइव तो होंगे नहीं आई गेस। जी हाँ गाइस, हमारे पास रिवाइव तो है ही नहीं, तो मैं करूँ क्या अभी? एक मिनट गाइस वेट करो, मैं मेरे पोकेमॉन हील करके आ जाता हूँ। ओके गाइस, हम लोग यहाँ पे रिटर्न आ चुके हैं, मैंने मेरे पोकेमॉन भी हील कर लिए और मैंने थोड़े से शॉपिंग भी कर लिए, तो चलो हम लोग आगे जाएंगे। गाइस मेरे को पता था यहाँ पे एक बैटल होगी क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी खेली थी। यहाँ पे अभी हमारी आई गेस एक डबल बैटल होने वाली है, तो उसके लिए हम लोग अभी रेडी हो चुके हैं ऑलरेडी। ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे अभी आई गेस ब्रेंडन भी आएगा, मतलब अनिकेत और मैं वर्सेस ब्रेंडन और मैं, ऐसा रहेगा। एंड इसकी बैटल मैं क्यों स्किप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी बैटल थोड़ी सी तगड़ी बैटल्स हो सकती है, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। ओके, अनिकेत के पास RCS भी है, ये कैसे भूल सकता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा क्रंच हमारे गार्डिवर के ऊपर। ओके, लो किक काफ़ी सुपर इफेक्टिव अटैक है, डबल टीम इसने यूज़ कर ली है। लेट्स सी, ये मेरा स्टार्टिंग में मेरे पोकेमॉन को फेंड कराना चाहते हैं। ओके, ओ गार्डिवर की एबिलिटी मॉक्सी है, मेरे को नहीं पता था, आई गेस। ठीक है चलो, अलेक्जाम आ जाओ ब्रो, साइकिक से देखते कितना हम लोग उसको। ओके, बहुत कुछ कर दिया, एरियल इस नाइस। चलो पहला पोकेमॉन तो चला गया इनका, काम माइंड सीख रहा है, काम माइंड ज़रूर सिखाना चाहिए, बस टेलीपोर्ट मेरे को हटाना नहीं है तो हम लोग नहीं, चलो काम माइंड बाद में सिखा देंगे। नाइट स्लैश, ओके, क्रिटिकल हिट, मैं काम कर लेता हूँ अभी। अच्छा बैग, अरे रे मैं कैसे भूल सकता हूँ, यहाँ पे बैग यूज़ नहीं हो सकती ना, इससे इसने स्पेशल अटैक बढ़ा दिया और स्पेशल डिफेंस बढ़ा दिया। ओके, हमें कुछ भी करके इसके गार्डिवर को, अरे इसकी मॉक्सी डबल हो गई है, मैं यहाँ पे हारने के टाइम पे आ चुका हूँ, मतलब ओके वो बढ़ा, मतलब ब्रो बढ़ा ले अपना जो भी तेरे को बढ़ाना है। पहले इसके गार्डिवर को बाहर निकालूंगा मैं, फिर तेरे को हराने की ट्राई करूँगा। स्क्रेलर 40 का हो चुका है। ओ स्लगमा, इनसे कुछ खतरा तो नहीं है। ओके बग बज, ओके मेरे को लगा मेरे ऊपर अटैक करेगा, अच्छी बात है तू मेरे को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि अलग अलग ऐसे हम के ऊपर बग टाइप सुपर इफेक्टिव अटैक होते हैं। ओके मैनकी भी जस्ट लाइक ठीक ठाक अटैक ही कर लेगा, क्योंकि हम लोग सुपर इफेक्टिव अटैक सारे यूज़ करेंगे इसके ऊपर। सच बता रहा हूँ, अगर ये रैंडमाइज नहीं रहता तो हमारी टीम यहाँ पर अब तक तो ख़त्म ही हो जाती। ओ थ्रोट चॉप, ये थोड़ा सा कड़क अटैक था। एंड मेरा आखिरी पोकेमॉन है, लेट्स यूज स्लज बॉम्ब। ये कितना बढ़ाएगा अपना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बट इसने अपना सारा स्पेशल अटैक और स्पेशल डिफेंस बढ़ा के रखा है, तो मैं इसके ऊपर फिजिकल, अरे यार ये कितना बढ़ाएगा ब्रो लिटरली, बट देर आर स्पेशल डिफेंस। ओके क्रिटिकल हिट लगी फिर भी ठीक है। ओके फाइनली वो तो चला गया, अभी इसका आई गेस हम लोगों ने हरा दिया, लिटरली हरा दिया। सच बता रहा हूँ, अगर ये नॉर्मल बैटल होती तो मैं नहीं हरा सकता था इसको, बट ठीक है फिर भी हम लोगों ने हरा तो दिया है। अभी ये ब्रेंडन और यहाँ पे वो लोग क्या बात कर रहे हैं, डोंट नो। हाँ याद आया, याद आया, वो लोग बोले कि हम लोगों को आगे जाना चाहिए, जस्ट लाइक रुकते नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए किसी को भी। ओके हम लोग यहाँ पे पोकेमॉन हील कर लेंगे एंड लेट्स सी आज के एपिसोड में हम लोग आई गेस मे बी इस टनल को भी पार कर लेंगे। मैंने मैक्स रिपेल खरीदे तो थे ना, यहाँ पे एक बैटल हो गई है तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। ओके गाइज, वो बैटल काफ़ी अच्छी थी, इसमें एक बीस्ट टाइप, मतलब बीस्ट पोकेमॉन था जिसका नाम था स्टाका टाका करके, जो कि बेसिकली दिखने में एक पत्थर था जिसके चार पैर थे। आई डोंट नो वो कौन सा पोकेमॉन है, आई गेस रियल पोकेमॉन ही होगा, बट मैंने उसको कभी नहीं देखा था इसलिए मैंने उसका नाम याद रख लिया था, स्टाका टाका कुछ तो मैं उसको दिखा था, बट अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड करना भूल गया तो सॉरी। बट
काफ़ी अच्छा पोकेमॉन था एंड उसकी उसकी जो एबिलिटी थी ना वो बीस्ट एबिलिटी थी, जिस लाइक बीस्ट बूस्ट जो रहता है ना हराने के बाद, हमारे नगानाडेल की जो एबिलिटी थी ना वही थी इसकी भी एबिलिटी। तो एक मिनट में ज़रा सा बैग में चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास रिपेल तो होंगे ना, रिपेल मैंने ख़रीदे नहीं आई गेस कि खरीदे, अच्छा 14 रिपेल तो है ही, आई गेस हम लोग 14 में पार कर ही लेंगे। ओके अलग से हमने फ्लैश यूज़ कर लिया जो कि हमारे पास ऑलरेडी, मैंने सिखाया तो नहीं है बट फिर भी ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार काम कर लेता हूँ या फिर रिपेल रहने देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई अच्छा पोकेमॉन मिल गया जो हम लोग हमारे टीम में पकड़ने के ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। लेट्स सी, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों को एक और रिपेल मिला। ओह ये कौन सा पोकेमॉन है, आई डोंट नो ये कौन सा पोकेमॉन है बट ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पोकेमॉन्स आ रहे हैं। आप लोगों को अगर कोई अच्छा पोकेमॉन पता रहेगा जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो तो आप मेरे को बता देना, इस बैटल को मैं स्किप कर देता हूँ। ओके गाइस हम लोगों ने इसको हरा दिया, तो अभी हम लोग आगे जाएंगे, यहाँ पे देखते हैं कौन से टाइप से पोकेमॉन है। यही बार बार पोकेमॉन आ रहा है, इसका नाम है मागी आराना। ओके अजीब नाम है। सेल बैटरी, ये इससे कुछ यूज़ तो पता नहीं मेरे को इन लोगों का। ज़िगज़ैगून क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है यहाँ पे, चलो आगे जाएंगे। लेट्स सी यहाँ पे कोई अच्छा पोकेमॉन मे भी देखने को मिले हमें। ओ कडाब्रा ऑलरेडी है मेरे पास, यहाँ पे एक और बैटल है तो चलो इसको भी स्किप करता हूँ। ओके गाइस मैंने इसको भी हरा दिया, तो चलो आगे जाएंगे। यहाँ पे कोई अच्छा पोकेमॉन तो दिख नहीं रहा है वैसे तो, यहाँ पे एक रिवाइव मिला। ओके यहाँ पे एक और बैटल है तो चलो इसको भी स्किप करते हैं। ओके गाइस हम लोगों ने इसको भी हरा दिया, तो चलो हम लोग आगे जाएंगे। यहाँ पे मेरे को कोई अच्छा पोकेमॉन तो दिखने को नहीं मिल रहा है अब तक, तो मैं काम कर लेता हूँ, हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे रिपेल को, क्योंकि फिर टाइम पास हो रहा है ना यहाँ पे। तो अभी हम लोगों का रिपेल कहाँ पे गया, मैंने ख़रीदा तो था आई नो। ओके ये रहा रिपेल, हमने मार भी दिया है, तो चलो हम लोग आगे जाएंगे। यहाँ पे दो तीन बैटल से जो हम लोग स्किप कर सकते तो मैं स्किप करूँगा, यहाँ पे ये बैटल है तो इसको भी स्किप करते हैं। ओके गाइस हम लोगों ने इसको भी हरा दिया है, तो चलो आगे जाएंगे। यहाँ पे ये सीढ़ी है, यहाँ पे एक और बैटल है तो इसको भी हम लोगों को स्किप करना पड़ेगा। ओके गाइस हम लोगों ने इसको भी हरा दिया, तो चलो आगे जाएंगे। यहाँ पे एक और बैटल आ सकती है बट यहाँ पे हम लोगों को, ओके रिपेल ख़त्म हो गया, हम लोग एक और यूज़ कर लेंगे। एस्केप रोप भी मिल चुकी है हम लोगों को, हम लोगों को यहाँ से धीरे से जाना है, इस बंदे के साथ नहीं टकराना है। यहाँ पे एक और ऊपर पोकी बॉल है जिसमें हम लोगों को ड्रीम ईटर 85 TM मिला। ओके यहाँ पे भी ये बैटल हो सकती है, तो चलो इसको भी स्किप करेंगे। ओके गाइस हम लोगों ने इसको भी फिर से हरा दिया है, और फिर से मतलब एक ही बार हरा दिया था। यहाँ पे ये पोकी बॉल में मैक्स ईथर मिला एंड आई डोंट नो और कितनी सारी बैटल्स हम लोगों को फेस करनी पड़ेगी बट इसको भी स्किप करना पड़ेगा। ओके गाइस हम लोगों ने इसको भी हरा दिया है, तो यहाँ पे एक और बैटल आ रही है। यार मैं थक चुका हूँ, यहाँ पे बहुत सारी बैटल्स है, चलो इसको भी स्किप कर देता हूँ। ओके गाइस फाइनली इसको भी हमने हरा दिया है, तो चलो हम लोग आगे जाएंगे। यहाँ पे ये बैटल्स है जिसको हम लोग आराम से स्किप कर सकते हैं एंड यहाँ पे डेन है, हम लोगों को इग्नोर करनी है इस डेन को, क्योंकि मेरे को नहीं चेक करना है, मेरे पास अभी इतने पोकेमॉन्स यही नहीं है ना रेडी। ये आई गेस हमारी आखिरी बैटल हो सकती है, तो इसको भी स्किप करेंगे। ओके गाइस फाइनली हम लोगों ने इसको भी हरा दिया है, अभी हम लोग फ्री टू गो है। यहाँ पे एक बस एक पोकेबॉल लेनी बाकी थी एंड अभी हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन एक मिनट वेट कर लेता हूँ। हाँ मेरे पोकेमॉन तो सारे हील ही है, यहाँ पे मेरे को किसी के साथ भी बैटल नहीं करनी है, तो आप लोग बी श्योर आप लोग किसी के साथ बैटल ना करें यहाँ पे फ़िलहाल, तो अभी रिपेल मारने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप गाइस आज का एपिसोड बहुत बड़ा हो गया बट इसको काट कूट के मैं फिर से छोटा कर दूंगा, क्योंकि इतनी सारी बैटल्स कट जो कर रही हैं, तो आई डोंट नो ये एपिसोड छोटा हुआ कि बड़ा, बट आई होप सो आप लोगों को इस एपिसोड में देख के मज़ा आया। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तब तक के लिए सायोनारा।